कानपुर के सीसामऊ स्थित नया जैन मंदिर में 23 फरवरी को प्रभु का अभिषेक और शांति धारा की गई। इस दौरान भक्तों को निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने भक्तों को अभिषेक और शांति धारा करने के नियमों से अवगत कराया। निर्यापक मुनि पुंगल श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में संपन्न हुए भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद 23 फरवरी को कानपुर के सीसामऊ स्थित नया जैन मंदिर में प्रभु का अभिषेक और शांति धारा किया गया। भगवान पार्श्वनाथ की सहस्त्र फणी प्रतिमा का अभिषेक और शांति धारा कर भक्त स्वयं के कर्मों की निर्जरा कर रहे थे। इस अवसर पर निर्यापक मुनि पुंगल श्री ने भक्तों को अभिषेक और शांति धारा करने के नियमों से अवगत कराया, साथ ही सभी भक्तों को परिवार सहित गंधोदक लेने की भी प्रेरणा दी। अपने हाथ से अपने परिवार अपने बेटों को गंधोदक देने की प्रथा चालू करो और घर में गंधोदक ले जाओ, थोड़ा सा ले जाओ, हो सके तो रिश्तेदार आवे उनका स्वागत भी गंधोदक से होवे तो कैसा मजा आएगा। गंधोदक से होवे, चाय पानी से तो करते ही हो, लेकिन आते ही चम्मच डाल देना उसके माथे पे, डाल साहब हमारे यहाँ जो भी आता है हम उसका सम्मान गंधोदक से करते हैं। बोलो कितना भला होगा, आने वाले को गंधोदक आते ही घर में मिला। बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप भैया जी सुयश के निर्देशन में पूजन की सभी गतिविधियां संचालित की गईं। भक्तों ने प्रभु की विशाल प्रतिमा पर श्रद्धा के कलश भिड़ा कर प्रभु भक्ति की भावना की। जैन फोकस के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।